नमस्कार, मैं डॉक्टर ऋचा झौरी। आपका मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है वॉट, जिसे हम स्किन टैग या फिर मस्से भी कहते हैं। ये ऑल ओवर बॉडी में कहीं पर भी हो जाते हैं और ये हार्ड बम्पी आउटग्रोथ हो जाती है इसमें, और ये देखने में बहुत ख़राब सा लुक देते हैं। ये हम मेनली जो है वो HPV इन्फेक्शन की वजह से होते हैं, जो एक वायरल इन्फेक्शन होता है। ये होते क्यों हैं? कहीं भी अगर स्किन कट जाती है रेज़र से या फिर किसी चीज़ से और वहाँ पे वायरल इन्फेक्शन हो जाता है तो वहाँ पे वॉट फॉर्मेशन हो जाता है, या फिर कभी कोई पिंपल होता है वो इन्फेक्टेड हो जाता है तो वहाँ पे भी वॉट बन जाते हैं, या फिर कभी किसी का मेकअप का सामान यूज़ कर लें या फिर रेज़र किसी का और का अगर यूज़ कर लें तो उसमें भी वहाँ पे इन्फेक्शन की वजह से वॉट फॉर्मेशन हो जाता है। तो आपको इसमें करना क्या है कि स्किन को बिल्कुल ड्राई और क्लीन रखना है, और कभी भी किसी के भी मेकअप प्रोडक्ट या कॉस्मेटिक प्रोडक्ट या फिर रेज़र ये बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है, और जितना जल्दी हो सके इसका ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि जेनाइटल वॉट ये बहुत डेंजरस होते हैं और कभी कभी कैंसर तक में चेंज हो जाते हैं। तो चलिए अब मैं इसका कुछ आपको होम ट्रीटमेंट बताती हूँ। होम ट्रीटमेंट में आपको क्या करना है, गार्लिक लेना है और उसको कुचल के उसका जो रस है वो आपको अप्लाई करना है, और उसको फिर कवर कर देना है टेप की सहायता से, और 15-20 मिनट या आधे घंटे बाद उसको वॉश कर लेना है। पर हाँ, ये ध्यान रहे कि कभी कभी गार्लिक में जो केमिकल होता है उससे बर्न भी हो जाता है, तो अगर कभी भी आपको थोड़ी सी भी बर्निंग सी भी फील हो तो आपको उसको तुरंत ही वॉश कर लेना है। और इसके अलावा थूजा का एक मदर टिंचर आता है, वो भी आप इस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, या थूजा का इसमें ऑइंटमेंट भी आता है तो आप उसको भी अप्लाई कर सकते हैं, उसको आप ओवरनाइट भी अप्लाई कर सकते हैं। ये तो एप्लीकेशन की बात हो गई। अब मैं कुछ इसकी मेडिसिन बताती हूँ, क्योंकि आप जब ऊपर से भी अप्लाई करेंगे और मेडिसिन भी लेंगे इंटरनली, तो वो वॉट को सुखाने में और झड़ने में तेज़ी से मदद करती है, और ट्रीटमेंट जो है वो इसका जल्दी कंप्लीट हो जाता है। तो चलिए अब मैं इसकी कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन बताती हूँ। इसमें अगर थूजा 30 कहीं पे भी बॉडी में वॉट है तो थूजा 30 तो आपको लेनी ही है। ये आपको सुबह शाम 4 to 5 पिल्स लेनी है, या फिर ड्रॉप्स में तो दो दो बूंदे सुबह शाम। फिर इसके अलावा अगर सर में या फिर नेक पे या फेस पे वॉट हैं तो उसमें CPR 30 और Causticum 30, ये दो मेडिसिन लेनी है। और अगर लोअर पार्ट में वॉट हैं और पेडनकुलेटेड से हैं या फिर बड़े हैं जैक्ट टाइप के हैं, तो उसमें आपको Antimicrobial 30 और Sulfa 30, ये दो मेडिसिन लेनी है। और अगर अपर पार्ट ऑफ द बॉडी में है, फिंगर्स में है, तो उसमें आपको क्या लेनी है, Causticum 30 और Delcamara 30, ये दो मेडिसिन लेनी है। तो ये तो इसका मेडिसिन से ट्रीटमेंट हो गया। ये मेडिसिन आप 3 से 4 महीने तक भी लगातार ले सकते हैं। इनको लेने से क्या होता है कि वॉट अपने आप सूख के फिर झड़ जाते हैं, और फिर भी अगर ये वॉट नहीं झड़ते हैं होम्योपैथिक ट्रीटमेंट से, तो फिर उसका दूसरा ऑप्शन होता है कॉटरी। कॉटरी से भी ये आसानी से निकाले जा सकते हैं, पर आपको पहले होम्योपैथिक ट्रीटमेंट भी ट्राई करना चाहिए, क्योंकि 90 से 95% तक तो ये होम्योपैथिक मेडिसिन से ही झड़ जाते हैं। आई होप कि आपको आज का मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आगे भी मेरे वीडियोस आप तक पहुंचते रहें, फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर शो रहा है, अगर कोई मुझसे पर्सनल जानकारी चाहिए या फिर मेडिसिन मंगवानी है तो हमारी मेडिसिन ऑल ओवर इंडिया हम लोग कोरियर भी कर देते हैं। और इसके अलावा भी मैंने कई सारी वीडियोज़ बनाई हैं, जैसे ओबेसिटी, डिप्रेशन, एक्ने, हेयर फॉल, या फिर इन्फेंट सीरीज़ में भी कई सारी वीडियोज़ बनाई हैं, और बच्चों पे भी कि बच्चों की हाइट कैसे बढ़ाएं, चाइल्डहुड ओबेसिटी। अगर आपको इनमें से कोई वीडियो आपको देखनी है तो आप मेरे होम पेज पे जाके वो भी देख सकते हैं। तो आज का वीडियो यहीं तक। स्टे हैप्पी, स्टे सेफ। थैंक यू सो मच।